अच्छा, क्या मानती हैं आप कि अब जाके सफर कामयाब हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आई हैव सीन सक्सेस इवन बिफोर. बड़े हैड गिवन मी ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस एंड आई ओ एकता फॉर दिस, बट आई डोंट फील एज सच. मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है दैट आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस वट एवर. हाँ, पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग मी, बट मे बी आई कैन से आई एम नम वट एवर, बट नो आई डोंट फील एज सच. कि हाउ यू केम ऑन बोर्ड. जब हम प्रस्थानम की बात करते हैं, एक एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से दत्त साहब, संजय दत्त हिस्सा है उसका, वो थोड़ा सा जानना चाहूँगा कैसे हुआ और कैसे यू बिकम अ पार्ट ऑफ सी इट. बेसिकली कुणाल, द गाय हु इज़ कास्टिंग फॉर दिस फिल्म, कुणाल एम शाह, ही कॉल्ड मी एंड पहले तो मैंने रोल सुनकर मना कर दिया. एंड ये जो पूरा जर्नी है 2 महीने तक चलता रहा, 2 से 3 महीने तक. एंड वापस से 1 महीने बाद मुझे उन्होंने ऑफर किया ये सेम थिंग, देन मैंने फिर मना कर दिया. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम मार्च और अप्रैल समय, एंड फाइनली मैंने जून तक आते आते आई मेड अप माई माइंड एंड आई सेड कि फाइन, ओके यार कर लेते हैं. एंड देन आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू इट. सो अगेन ही अप्रोच मी एंड आई सेड ओके फाइन, सो आई अग्रीड फॉर दिस. सो माई मेन थिंग दैट आई डिडंट वॉन्ट टू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन, एंड दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग नो. बट देन आई वाज लाइक ठीक है, वाई नॉट, वाई नॉट टू प्ले अ मदर ऑन स्क्रीन व्हेन आई एम एक्चुअली अ मदर. सो देन दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड. सो आई थिंक शूट के कुछ 7-8 दिन पहले आई सेड येस, एंड अपेरेंटली आई डिडंट नो दैट वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन माही, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज अबाउट टू प्ले दिस कैरेक्टर विच आई वॉज अप्रोच फॉर, एंड आई सेड येस. सो इट वॉज लाइक दिस, और आई थिंक 1 हफ्ते बाद आई वॉज शूटिंग इन लखनऊ. सो या दैट्स हाउ इट हैपेंड. चाहत कितना चैलेंजिंग था इस, अगर रोल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि क्या किरदार निभाते नजर आएंगे. प्रस्थानम को लेकर ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव वाइब्स है. यस, सी माई कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड शी इज़ अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग डॉक्टर. शी इज़ मनीषाज रियल डॉक्टर इन द फिल्म, एंड अली इज़ प्लेइंग माई ब्रादर, वेर इज सत्या इज प्लेइंग माई स्टेप ब्रादर. सो वी आर द 3 चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल, इज़ द लीडिंग कपल. एंड yeah, so this is what my whole character is crafted in. I'm a part of the main cast, so I'm just keeping my fingers crossed. Kaisa experience raha, you know, somebody like, you know, Manisha Koraila or Sanjay Dutt sahab ka production, kaisa experience raha aapka aur kya seekhne mila chahta? Bahut acha experience tha Manisha ma'am ke sath, to mere jo scenes hue acche hue, and Sanjay sir is very humble and a very good co-actor. And whereas Ali is full of life, full of fun, all the time, musty, 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 but a superb actor he is. So he, I don't think if he's one of the method actor or whatever, but yeah, he's like, our chemistry was very good. So I had most of the scenes I had with Ali and Amaya, and it went out very nice, but thoda sa challenging tha because I was facing the camera after a long time. So thode se challenges the, whereas Dev sir, Dev Katta, he wants perfection out of you. So he is a kind of a director, he would go to any extent to get what he wants out of an actor, and I really got to learn a lot from him. So okay chahat, ye jab main is film ki baat karta hu, jo kirdar aap nibha rahe hain, aur Manisha ji, kuch workshop wagera hui thi ya seedha hum floor pe gaye? इनफैक्ट मैंने वही आपको बताया कि शूट शुरू होने से 7 दिन पहले आई सेड येस फॉर दिस होल मूवी, एंड आफ्टर दैट आई थिंक मेरे ट्रायल्स हुए होंगे शायद, या वो भी नहीं हुए, आई थिंक सिर्फ ट्रायल्स हुए हैं, साइनिंग हुआ है, एंड कट टू आई वॉज ऑन सेट इन लखनऊ. सो आई वॉज लाइक आई डेंट नो वट हैपन, एंड इट जस्ट फेल इन टू माई लैप आई वुड से. सो कोई वर्कशॉप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एंड या दैट्स हाउ आई वेंट फॉर दिस. फिल्म को लेके बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, और उसके अलावा मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि आप फिल्म का हिस्सा हैं, किस तरह की फिल्म होगी, किस जोन में होगी फिल्म, ऐसा इमोशनल ड्रामा, व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट? सी इट इज़ अ वेरी वेरी इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से इसमें जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किए गए हैं, एंड इट इज़ अ फैमिली पॉलिटिकल ड्रामा विच इज़ ऑफ कोर्स अ रीमेक ऑफ अ साउथ इंडियन फिल्म, बट इवन इफ यू सी दैट प्रस्थानम, इट
actually gives you shivers, because it is something very, very, I don't have words for this, but the film is a political family drama, and I think you should see it for at least once to understand what it is. क्या ऐसा खास था क्योंकि इतना वक्त लगाया आपने हाँ बोलने के लिए? क्या ऐसा था जिसकी वजह से ना कहा, और क्या ऐसा था जिसके लिए हाँ कहा? सी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंफर्टेबल नहीं थी ऑन स्क्रीन टू प्ले अ मदर. सो नाउ दिस गर्ल पलक, माई कैरेक्टर नेम इज पलक, शी इज अ मदर ऑफ टू. आई डिडंट वांट टू प्ले अ मदर ऑफ टू ऑन स्क्रीन बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ द होल टैबू दैट यू गेट टाइप कास्ट एंड बींग अ मदर व्हाटएवर. So I didn't want it to. That's the reason I was saying no for this role. But then, if you see, then I pulled out 20 kgs. So I am almost 20 kgs plus in that film. Whereas now, if you see me, मैं वैसे शायद कोई character में fit भी नहीं होंगी, because after that film I've lost almost 20 kgs of weight. So but yeah, as an actor I enjoyed it. Why not? Okay, Me Too को लेके भी आपके कुछ बयान को लेके जैसा आपका कहना है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट कि आप कुछ, और या बीइंग अ सेलिब्रिटी, डू यू एग्री विद दिस कि सेलिब्रिटी हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहते हैं, वो कुछ कह दें और उसी बात को तोड़ मरोड़ के कहा जाता है? सी, मी टू जो है, मैंने पहले भी कहा मेरे इंटरव्यूज में दैट बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया इस बात का, एंड बहुत लड़कियों ने मिसयूज़ किया है इसे, जो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज जो विक्टिम है इसके उन्हें मेंटल हरासमेंट, डिप्रेशन, उनका करियर ख़त्म हो गया है, उनकी बीवी, बच्चे, यू नो, फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई हैं. सो हाँ, जो लोग क्लियरली बाहर आए, जिनको प्लेटफॉर्म मिला, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक सेफ प्लेस बनाई है काम करने के लिए, बिकॉज नाउ पीपल आर स्केयर्ड टू इवन टॉक समथिंग लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट. बट देर आर ऑल्सो सम पीपल हु हैव मिसयूज्ड दिस, एंड जो लोग गिल्टी नहीं थे, जिनका नाम आया गया है, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, वो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं, उनका करियर ख़त्म हो गया. सो दैट इज़ नॉट समथिंग हेल्दी, यू नो. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट अ पॉइंट टू कम आउट एंड से दैट पीपल, नॉट एवरी वन हु इज़ बीन अक्यूज्ड इन मी टू इज एक्चुअली, यू नो, द विक्टिम, व्हाटएवर, एक्चुअली द कल्प्रिट. सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से. What else in the pipeline? What other project you're working on? I am doing two films. One is in South, one is in Bollywood. And one web series is already I've done, which will stream soon. And episodic hai. And yeah, so fluctuating dates from here and there. Thank you so much. Thank you so much.